जालसाजी करने वालों के होश उड़ गए जब फर्जी विजिलेंस अधिकारियों का हुआ असली आईपीएस से सामना। नीली बत्ती वाली चमचमाती हुई इनोवा कार और कार में सवार कथित विजिलेंस अधिकारी, खुद को आईआरएस बताने वाले मनीष कुमार डिप्टी कमिश्नर विजिलेंस के रूप में नई दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद छापेमारी करने पहुंच जाता था। कई बार आईजीआरएस की शिकायतों की जांच करने पहुंच जाता था। दरअसल यह गिरोह खुद ही अपने लोगों से शिकायतें डलवाता और व्यापारियों के खिलाफ जांच करने पहुंच जाता और उन्हें ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूल लेता। लेकिन जालसाज को यह नहीं पता था कि गलत कामों की उम्र बहुत छोटी होती है। 3 साल से ठगी, ब्लैकमेलिंग और नौकरी देने के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने वाले यह लोग नीली बत्ती लगी हुई चमचमाती हुई इनोवा कार से निकलते थे, जलवा ऐसा कि सामने वाला भी इनके भौकाल में आ जाता था। लोग इन्हें असली अधिकारी समझ लेते थे। इनोवा की अगली सीट पर एक तरफ ड्राइवर बैठता था और दूसरी तरफ राइफलधारी गनर बैठा होता था और पीछे फ्राट के विशेषज्ञ साहब लोग बैठते थे। जब यह लोग निकलते थे तो माहौल ऐसा बनाते थे कि लगता था कि वाकई में बड़े अधिकारियों की टीम आ गई है। ऐसे में कई बार व्यापारी घबरा कर इनके जाल में फंस जाते थे और इन्हें मुंह मांगी रकम देकर इनके शिकंजे से बचने की कोशिश करते थे। ऐसी ही कई शिकायतों के बाद इटावा के एसएसपी ने इस फर्जी डिप्टी कमिश्नर की घेराबंदी की। एसएसपी आकाश तोमर ने क्राइम ब्रांच और इटावा के सिविल लाइन थाने की टीम को इस गिरोह के पीछे लगाया, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली और नकली आईआरएस अधिकारियों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके गैंग में 2 कथित पत्रकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। लोगों पर दबाव बनाने के लिए कई चैनलों की माइक आईडी का भी इस्तेमाल करते थे। मुख्य मास्टरमाइंड पहले बैंक में अधिकारी था, लेकिन गैरकानूनी गतिविधियों की वजह से बैंक से निकाल दिया गया तो खुद को फर्जी आईआरएस और डिप्टी कमिश्नर बनाकर अवैध उगाही में जुट गया। सुनिए इटावा के एसएसपी आकाश तोमर का बयान। इटावा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईआरएस अधिकारी और उसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में ये पता चला है कि ये एक टर्मिनेटेड बैंक पीओ है, जो एक लोन फ्रॉड के केस में बैंक द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद से 2 साल से ये नकली आईआरएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहा था। और इसके साथ 4 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। तो सभी लोगों के साथ पूछताछ में ये बात क्लियर हुई है कि इन्होंने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये लोग, और इनका मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये खुद ही आईजीआरएस कंप्लेंट्स किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डालते थे और बाद स्वयं ही गवर्नमेंट की जांच टीम बनके चले जाते थे और उनसे फिर पैसे एक्सट्रॉट करने का प्रयास करते थे। तो ये इटावा पुलिस का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है। ये व्यक्ति बहुत ही शातिर अपराधी है और इसकी बॉडी लैंग्वेज से और इसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सीबीआई के कुछ केसेस की एफआईआर की कॉपी, कुछ डीओपीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स, ये सब ये लेके चलता था, जिससे अपने आप को ये विश्वसनीय बना सके। और मेरे द्वारा स्वयं उसमें पूछताछ की गई, जिसमें उनकी यूपीएससी रैंक, कब उनको प्रमोशन हुआ, किस स्टेट को, कब बैच को सिलेक्शन ग्रेड मिला और कब उनका इंटरव्यू बोर्ड में कौन थे, इस टाइप के बेसिक सवाल पूछने से क्लियर हो गया कि वो नकली आईआरएस अधिकारी हैं। और फिर डिटेल पूछताछ में पता चला कि वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। तो अभी 3-4 लोग अभी हमारे सामने आ चुके हैं जिनके द्वारा फ्रॉड की घटनाएं इनके द्वारा बताई गई हैं और उस पे बेसिस पे हम मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।